अर्जुन नोवो 605। अभी हम लोग जाएंगे पत्थर उठाने के लिए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नॉर्मली सभी ड्राइवर को पता है, फिर भी मैं थोड़ा चेक करके देखता हूँ ना ये इंजन ऑयल लेवल सही है। एयर क्लीनर काली साफ के तो फिलहाल एयर क्लीनर ठीक ही है। कूलन चेक करते हैं, कूलन बॉक्स में तो कूलन चेक ठीक है, और रेडिएटर में एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक ही है, रेडिएटर में भी कूलन ठीक ही है। और मेन बात यहाँ अर्जुन नोवो 605 में कहाँ कहाँ ग्रीस करता है मैं आपको दिखाता हूँ। बोनेट खुला है तो पहले यहाँ से ही शुरू करते हैं। देखो ये पेन बेल जो वाटर सेपरेटर जहाँ से होता है ना, यहाँ पे भी है एक निपुल, यहाँ पे देखो अल्टरनेटर के नीचे। और यहाँ पे मेन पिन में एक्सेल का एक हो गया, यहाँ पे यही मेन है, और दूसरा साइड में भी एक हो गया, और यहाँ पे हो गया एक और नीचे एक, और ये जो फोर व्हील का फोर व्हील है ना ये आगे का, तो नीचे एक्सेल में वो जाता है नीचे, यहाँ पे एक है उसी साइड में भी सेम। तो उसको बंद करते हैं अभी। उसके बाद जो मेन पिन है उसका इधर एक हो गया, और जो सेफ्टिंग क्रॉस है ये नहीं शाफ्ट है फोर व्हील का, शाफ्ट पीछे से आता है फोर व्हील गियर का, इसका अंडर में भी निपुल है यहाँ पे, इसको खोल के थोड़ा इधर खींच के यहाँ पे एक है, और इधर सब है क्लच का, सब ब्रेक का, जहाँ पे जॉइन है यहाँ पे सब छोटा छोटा निपुल है। और पीछे से टॉप लिंग में दोनों साइड एक इधर एक इधर, लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन नोवो का है दूसरा ट्रैक्टर का इधर जो मेन हब्स में होता था, सोनालिका में भी था, यहाँ पे एक बीच में रहता था निपुल, लेकिन वहाँ पे देना ना देना एक ही बार होता है, बहुत दिक्कत होता है अंडर ग्रिस मारने के लिए, तो यहाँ पे नहीं है अर्जुन नोवो में, तो ठीक ही है। और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप कंट्रोल में भी है एक इधर, और था उड़ रहा हूँ पूरे तेल नहीं है गाड़ी में, एकदम रिजर्व में। से हम लोग तो सुबह लाके ही रखा था तेल, अभी डालेंगे तेल। ये देखो एक जुगाड़ लगाया है पावर स्टीयरिंग, ये पावर स्टीयरिंग का व्हील ना क्या बोलते पता नहीं, लेकिन ये जो सोनालिका ट्रैक्टर्स में सब सभी ट्रैक्टर में आते हैं, लेकिन महिंद्रा का ट्रैक्टर में इधर नहीं है, मैंने उसको 1000 रुपये में खरीद के लगाया है। तेल डाल लिया, अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का अच्छा तरीका ये है कि पहले क्लच दबाओ और उसके बाद ब्रेक दबाओ, दबाने के बाद इसको न्यूट्रल करो, आप ये न्यूट्रल साइन आ गया, उसके बाद सल्प मारो, उसके बाद कम से कम दो मिनट तक ऐसे ही स्टार्ट में रखो आइडल आरपीएम पे। शुरू अब
चलते हैं पटर उठाने। अभी इसी दूर से भेजूंगा।